हाय सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इंपॉर्टेंट दिन भी कोशिश ये है कि ऐसे 20 स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए जाए जो आपको अपने आज ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करके रखने, अपने रडार पे रखने, उसके पीछे की रीजनिंग रैशनल, उन सब पे चर्चा होती चलेगी। पर उससे पहले मूड सेट कर दे आज का। भाई भारतीय बाजार रह रहे के तेजी के मूड में तो है, मतलब पिछले फ्राइडे से हमने तेजी जो पकड़ी है, हर दिन बैक टू बैक मजबूती ही मिल रही है, हर निशान पे ही क्लोज हो रहा है। और कल रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहली बार 24,900, इनफैक्ट 24,950 के ऊपर के टिक्स पे जाके बंद हुए, फिर उसी 25,000 के सप्लाई पॉइंट पे आके खड़े हुए और गैप से खुलेंगे ऐसे इंडिकेशंस हैं, तो फिर एग्जैक्टली उसी पॉकेट पे हिट कर रहे होंगे जहां पे सप्लाई ओवरहैंग्स बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और वजह है बढ़िया गिफ्ट निफ्टी के संकेतों की, बढ़िया से मतलब हल्के हरे निशान में, इसलिए क्योंकि ग्लोब की तस्वीर ठीक ठाक दिख रही है। ये जब पिच दिखेगी आपको तब मूड दिख जाएगा। लाइए पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखाइए, समझ लेते हैं पिच दरअसल है कैसे। दरअसल सबसे फास्ट बॉलर कौन है अब तक का या आज का? आज यह डर था इस पिच पे कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप बड़ा खतरनाक हो सकता है, बड़े बड़े पेस, वसीम अकरम और वो सबसे तेज जो बॉलिंग करते थे लेफ्ट हैंड, क्या नाम था उनका, शोएब अख्तर थे और एक और थे कोई, वो जो बहुत तेज दौड़ता, नाम बोल रहा हूँ उसमें, वो शोएब अख्तर, वकार यूनिस। तो इस तरह की बॉलिंग लाइनअप था कल, पर अपने बल्लेबाज छाए रहे। वैसे हिंदुस्तानी बल्लेबाज पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं, तो कल भी इस बार अमरीकी गेंदबाज थे बहुत तेज फेंकते हैं, जेरोमी पॉवल, उन्होंने कुछ फेंका था लेकिन असर पड़ा नहीं, मतलब कोई दिक्कत आई नहीं। वो कह रहे हैं कि कमेंट्री कैसी रही और ग्लोबल संकेत कैसे क्या है ना, अगर कई बहुत चीज़ों को आप बार बार बोलो ना तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, चाहे इतने अच्छे बल्लेबाज हो आप या बॉलर हो, इतनी बार उन्होंने बता दिया लोगों को, सब समझ गए इनकी ट्रिक, तो इसलिए जल्द, मतलब आपको पहले से पता था कि क्या होने वाला है, आउटकम के बारे में कोई टेंशन ही नहीं थी। इन्होंने अपने वो बहुत सारे लोगों को छोड़ रखा है जो जैसे अभी आज मीटिंग हुई कल रात में, अब देखना अब यहाँ से लेकर के सितंबर तक रोज ज्ञान पटकने वाले 4-6 लोग निकलेंगे। कोई इनके प्रो होंगे जो इनके साथ साथ ऐसा भी होते होंगे वहाँ पे FOMC मेंबर्स, जो मेंबर है पूरे ना, उसमें से जिसके जो अपॉइंटी है, जिसकी जो लीनियज है या जिसकी जो थॉट प्रोसेस, मतलब गवर्नमेंट के अपॉइंटीज इन्हीं के जैसे होंगे सब। हाँ तो मतलब नहीं, जैसे अमेरिका में जजेस भी अपॉइंट करती है पॉलिटिकल पार्टी, सरकार अपॉइंट करती है ना, तो वो उसी हिसाब से वो अपनी निष्ठा भी रखते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे रेट कार्ड तो कुछ लगे, लेकिन एक अच्छी बात है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड वो मेंटेन रखते हैं। मतलब अमेरिका इससे नहीं बहुत बड़ी चीज़ बन गया है, क्योंकि वो एक सर्टन लेवल मेंटेन रखते हैं कि उसके बाद ही वो अपना व्यू रखेंगे। तो सब ने इतना ज़्यादा ये बोल दिया था कि माहौल बन रहा है और डेटा पॉइंट वैसे ही, आप बार बार डेटा डेटा कर रहे, तो डेटा आ गया तो कमेंट्री वैसे आ गई। तो कल पहली बार उन्होंने ये कहा है कि रेट कट मेरी टेबल पे हो सकता है अगली बैठक में, ये स्टेटमेंट। अब पूरी प्रेस रिलीज देखो आप, तो आजकल US में बहुत अच्छा दिखाते हैं कि प्रेस रिलीज में क्या क्या वर्ड बदले गए हैं, तो कंपेयर करते पिछली वाली ऐसी थी, इस बार ऐसी हल्का है कि भारी पड़ गया है वर्ड, तो अभी एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हल्की हुई है और सितंबर में रेट कट के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं, अनलेस कि कोई बहुत आड़ा तिरछा नंबर ना आ जाए, एक ही आध दो नंबर आने हैं, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई तो 1 सितंबर में रेट कट हो जाएगा 25 का। अब देखो लोग कितना, मतलब लालची तो नहीं कहूँगा, वर्ल्ड ज़्यादा टफ है, कुछ लोग कह रहे 50 बेसिस भी हो सकता है, होप बिल्ड कर रहे हैं, 25 की बजाय लोग कह रहे 50 भी तो कर सकते हैं, एक झटके में, अब तक नहीं किया चलो एक ही बार में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 25 बेसिस पॉइंट की कट सितंबर में होगी ऐसा बाजार ने मान लिया है। तो जो तेजी है जी आप देख रहे हैं उसी संदर्भ में हो रही है, रेट कट कुड बी ऑन द टेबल इन सितंबर इफ इन्फ्लेशन कम्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स एंड ग्रोथ रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, इफ बट है, लेकिन रेट कट है। तो एक बड़ा रीजन ये था जिसकी वजह से कल बहुत बढ़िया रैली बनी और AI वाले स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी फिर से लौट आई बाहर, वहाँ पे 10-12% चले स्टॉक्स, मझोले छोटे नहीं चले, तो पिच तो अच्छी है, रिजल्ट्स भी कल जो मेटा का आया वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, स्टॉक में तेजी, आज शाम को आपको देखेगा मेटा और चलेगा, तो मार्केट का माहौल अच्छा, फ्यूचर्स US के बढ़िया पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो मुझे लगता है पिच में कोई दिक्कत नहीं है।
अपने आप ही वैसी कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है। चलिए कोई दिक्कत है नहीं, पर अपन खबरों के जहाँ से स्टॉक्स रखे हुए हैं आप लोग वॉचआउट करिएगा, जब इस तरह की ग्लोबल संकेत कोई इन्फोसिस हो सकता है नीचे खुले भी तो ऊपर वापस बाइंग लौट आए, वो गैसवर्क हो गया। अपन खबर पे चलते हैं। पहला नवनीत एजुकेशन रखा है, ऐसा कुछ सरप्राइज नहीं है, सबको पता था आज बोर्ड मीट है, बोर्ड मीट है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पे, तो कितना क्वांटम किस भाव पे और किस रूट के थ्रू बायबैक होगा ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टॉक की चाल डिसाइड करने के लिए। अप फ्रंट तो अपन ग्रीन लेके चलते हैं। द फीनिक्स मिल्स कल रिजल्ट्स आए थे, बढ़िया रिजल्ट्स है, फीनिक्स मिल्स तो बढ़िया कर ही रही है और साथ साथ बोनस डोल आउट कर दिया है, 1-for-1 का बोनस डोल आउट भी हुआ है, 4,100 के आसपास के हाईज वाला स्टॉक है तो थोड़ा सा करेक्ट होकर काम काज कर रहा है। बोनस की तैयारी तो नहीं कर रहे थे अपन लोग, आ गया 1-for-1 का बोनस। वैसे मुझे याद नहीं है कि फिनिक्स मिल्स की बोर्ड मीट में बोनस की बात हुई थी, तो ठीक है अच्छा है ग्रीन रखा है। अच्छा अच्छा ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ तो फिर एक स्टॉक रुकिए, यूग्रो कैपिटल लेकर आइए स्क्रीन पे, इसको ग्रीन रखा है। ये डेटा टेक NBFC और इस MSME सेगमेंट की एक लीडिंग कोलेंडर, कल नतीजे जो आए थे AUM 36% साल दर साल और मुनाफा 20% बढ़ता हुआ, एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबल, ग्रॉस NPA 2%, नेट NPA 1.2% टोटल AUMs के। इस कंपनी ने हाल में सक्सेसफुली बढ़िया फंड रेज करा था, 510 करोड़ पे इन्फ्यूज हुए थे और 755 करोड़ पे का बैलेंस इन्फ्यूज होना है अगले कुछ महीनों में, जिसमें इन्हीं के खुद के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है समीना कैपिटल वगैरह इन सब ने भी उस फंड रेजिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है। कैपिटल एडिक्वेसी इस फंड रेजिंग के बाद बढ़िया 27.9% पे खड़ी हुई है और इसी बीच इंडिया रेटिंग्स ने इसके इंस्ट्रूमेंट्स को अपग्रेड कर दिया है, हाईएस्ट रेटिंग दी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो खबरें तो ठीक लग रही है, रिजल्ट भी ठीक लग रहे हैं, 320 के हाईज वाला स्टॉक 266 के आसपास है, तो ग्रीन कर दिया भाई, तीन हो गए मेरे। जल्दी जल्दी करना है क्या? पता नहीं जल्दी जा रहा था फिर मैं धीरा हो गया, डायरेक्टर साहब बोले जल्दी जा रहे बहुत। ओके पहला IIFL सिक्योरिटीज, बस CBI की खबरों के बाद बड़ा माहौल बन रहा था कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ यार। अरे यार एंजल वन भी हरे में बंद हुआ कल, वही तो चिंता थी और इन्होंने कल रिजल्ट भी दिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, शानदार रिजल्ट IIFL सिक्योरिटीज के, एबिटा देखिए, पैट देखिए, सब बेस्ट इन क्वार्टर है अब तक का सबसे बढ़िया, मुनाफा 182.75 करोड़ से बढ़ के और रेवेन्यू 650 करोड़ 410 से बढ़ के, नंबर बहुत बढ़िया है। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखा जाएगा, लेकिन आज तो नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। सिलान एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई कंपनी है, इसने भी बहुत बढ़िया नंबर दिए, नंबर आप देखिए क्या, 18 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया 5 करोड़ के सामने, चाहे ईयरली देखो चाहे क्वार्टरली देखो, एबिटा 36 करोड़ का है 14 करोड़ से बढ़ गए और रेवेन्यू 63 करोड़ या 28 करोड़ से मिले, बहुत छोटी सी कंपनी है लेकिन असम साइड में एक्सप्लोरेशन करते हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं इसलिए लिया इसको। GT&D इंडिया, इन्होंने भी नंबर बहुत अच्छे दिए, दुगना हो गया इनका मुनाफा, 134 करोड़, 66 करोड़ था लास्ट ईयर और इस लास्ट क्वार्टर में 28 करोड़ था, तो दुगना वहाँ से हुआ, रेवेन्यू लगभग 950 करोड़ जो 700 करोड़ से बढ़ के आया, तो ये भी नंबर बहुत अच्छे, तो ये तीनों नंबर अच्छे हैं इसलिए तीनों ग्रीन में रखते हैं। अब रखा है इन्फोसिस लाल में, हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ग्लोबली अच्छा कर रहे हैं, ठीक है अपनी जगह, इन्फोसिस लाल में क्योंकि एक अपडेट आया है, रिपोर्ट्स कह रही है कि अब रिपोर्ट्स का इनकी तो क्लैरिफिकेशन भी आ गया है तो ये तो सच ही है, फिर GST इवेजन 32,000 करोड़ का, उसके लिए अंडर इन्वेस्टिगेशन ये कंपनी, 2017 से 2021-22 के बीच के टाइम पीरियड में ये इवेजन पे डॉक्यूमेंट सामने आया है और कहा गया है कि इसने IGST नहीं पे करा जो सर्विसेज इंपोर्ट करी थी उसके लिए। अब इस पे ज़्यादा घुसूंगा नहीं क्योंकि है टेक्निकल बहुत ज़्यादा मामला और जिनको पेंच लगाना है वो लगाएं, अपन कहे लगाएं, लेकिन मामला ये है कि ये कंपनीज ओवरसीज ब्रांचेस खड़ी करती हैं अपने क्लाइंट्स को ऑनशोर सर्विस करने के लिए और उनको उन ब्रांचेस को डिस्टिंक्ट पर्संस के तौर पर ट्रीट करा जाता है IGST में, तो वहाँ से जो जनरेशन हो रहे हैं उस पर आपको GST भरना है। अब उस पर ये ऑब्वियसली कंटेस्ट करेंगे, 32,000 करोड़ का मामला है और कंटेस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि अगर इन पे गाज गिरेगी तो, क्योंकि सब लोग ऐसे ही ऑन साइड करते हैं काम,
पूरा ग्रुप तो सब पे नहीं गिरेगी, तो इसीलिए वैसे ही नजर रखेंगे, लेकिन एक ओवरहैंग सा बन गया है इसलिए लाल कर दिया। नहीं तो जीएसटी विभाग वाले 2017 से अब तक कर क्या रहे थे, हर साल नहीं देते क्या नोटिस? उन्होंने गणित बैठाया होगा, बोले यार उसको अगर इंडिविजुअल पर्सन बनाए उस ब्रांच को तो ऐसे पता नहीं जो भी हो रहा होगा, तो उन्होंने अब ये अगर 2021-22 तक सच हो गया तो फिर उसके आगे टाइम पीरियड में भी और दो साल और दे देते हैं। एग्जैक्टली बढ़ता जाए, देखते हैं जब से जीएसटी आया तब से ऐसा हो जाएगा। टाटा स्टील के नतीजे फीके फीके से हैं और इन्होंने प्रोवाइड फॉर कराया, सेट असाइड कराया 17,000 करोड़ रुपए जो ओडिशा सरकार को शायद मिनरल टैक्स के तौर पर देने पड़ जाए, लाल ही रखते हैं वो 32 थे तो ये 17,000 करोड़, आजकल छोटे अमाउंट की बात नहीं होती है। अच्छा इसके बीच में कोल इंडिया दिखाई, डायरेक्टर साहब कोल इंडिया को ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि नतीजे अच्छे हैं और हाईलाइट है मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन जो है 200 बेसिस पॉइंट का, तो कोल इंडिया ग्रीन कर दिया, अच्छे संभला। ओके प्रिकॉल इसके भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, कंपनी ने करीब 45.5 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है और 600 करोड़ का रेवेन्यू, बढ़िया नंबर है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। प्री टैक्स नंबर भी आप देखेंगे तो 60 करोड़ के आसपास है, बढ़िया नंबर, ऑपरेटिंग नंबर भी अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया निकल के आया। बंसल वायर अभी आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले ही आईपीओ आया था, फिर लिस्ट हुई थी, कंपनी बहुत बड़ी है, नाम समझ जाइएगा ये बहुत बड़ी कंपनी है, तार बनाती है लोहे के। इसके रिजल्ट देखिए आप, 817 करोड़ का रेवेन्यू 547 के सामने, मुनाफा 31 करोड़ है 17 के सामने, दुगना लगभग, और साल दर साल तो और उससे भी ज़्यादा, तो नंबर बहुत धांसू है इसको भी रखा है। छठवां स्टॉक एक मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी हपटाउन है, इसने प्रेफरेंशियल के ज़रिए 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा जुटाए हैं और 188 पे इन्होंने प्लेसमेंट किया, इसमें लेने वाले कौन है इंटरेस्टिंग इसलिए मुझे लगा नाम, प्रभुदास लीलाधर, अलमंड्स ग्लोबल, वाटा इक्विटी, कैप्री ग्लोबल, एंटिक सिक्योरिटीज, ऐसे दर्जनों नाम है जिन्होंने इस पर इस भाव पे लिया है, पूरी लिस्ट पड़ी हुई एक्सचेंज में आप देखिए तो ये, और ये कहा जा रहा है कि इनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल टाउन और मेन मुंबई में है, तो बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियों इस वक्त इस तरह खबरें आ रही जहाँ पर रिवाइवल है और इसीलिए इसमें शायद इतने बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया है, तो देखते हैं कैसे बिहेव करता है, लेकिन खबर चूंकि इंटरेस्टिंग थी तो इसलिए हपटाउन को भी रखें रडार पे। छोटा सा अच्छे हो गए आपके, मेरे अच्छे हो गए, छोटा सा एक ब्रेक, ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका और जल्दी जल्दी आपको बताते हैं अगले 4 स्टॉक्स में, एक महिंद्रा महिंद्रा है, इसमें नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है 3417 का टारगेट दे रहे हैं, उनका कहना है कि एसयूवी ग्रोथ जो है ना वो इंडस्ट्री में सबसे अच्छी है इनकी, इसलिए खरीद लेना चाहिए, इनके हिसाब से बाई कॉल है। मारुति भी कल नतीजे आया, बहुत ही शानदार नतीजे हैं, 15,200 रुपये का टारगेट दिया है जेफरीज ने, बाई कॉल दी है और बहुत सारे इन्होंने कारण गिनाए कि एबिटा, रिकरिंग पैट, ये सब बहुत ही गजब की ग्रोथ दिखा रहे हैं, एबव एस्टिमेट से जो इन्होंने अनुमान लगाया था उससे बढ़िया है, तो इसको भी उन्होंने बाई कॉल, टारगेट 15,200 का। 9 और 10 में अभी हम लोग सोने की बहुत चर्चा कर रहे थे, तो टाइटन और कल्याण जितने भी हैं सबको आप रडार पर रख सकते हैं, वो इसलिए अभी मैं चार्ट देख रहा था, $2,457 का हाई मारा उसने अभी लेटेस्ट क्वार्टर का, लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और अगर रेट कट सितंबर में आ रहा है तो आप मान लीजिए कि इसी दिवाली में आपको $2,500 या $2,600 का गोल्ड इंटरनेशनल प्राइस मिलेगा, $2,600 को रुपये में कन्वर्ट करोगे साहब 75 से 77 लाख रुपए पड़ता है, यूएस में अभी भी आप $78,000 पे चल रहा है भाव, तो मुझे लगता है गोल्ड कंपनियों में एक तेज़ी आई क्योंकि अभी तो 69,000 का ही भाव चल रहा है, तो गोल्ड कंपनियों में ध्यान रखना चाहिए जितनी भी है सब में, कंपनी भी ध्यान रखते हैं सोने पे ध्यान कैसे दें कंपनियां एक विकल्प है उस तेजी को खेलने का, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लो, लेकिन वो सरकार फिर एकदम से अगर ड्यूटी जीरो कर देगी तो रिडेम्पशन के टाइम पे तो क्विकली आज के बचे हुए 4 में एस्टर डीएम हेल्थ के, ये इसने अपना जीसीसी वाला धंधा तो बेच दिया है, तो प्योर प्ले इंडिया जो बिजनेस के अपडेट्स आए, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है हिंदुस्तान का 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का, मार्जिन्स में बढ़िया ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, अच्छे नंबर्स, बढ़िया ऑक्यूपेंसी, बढ़िया एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, सैस्किन ग्रीन रखा है, सीक्वेंशियली परफॉर्मेंस बढ़िया है, फ्लैट मार्जिन से मार्जिन बढ़ के 2.5% पहुंच गया, जेके लक्ष्मी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इस
अच्छा इन द सेंस ऑपरेशनली अच्छा है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, और टीम लीज इकलौता यहाँ पे लाल ले जा रहा हूँ क्योंकि परफॉर्म चढ़ा हुआ स्टॉक है, परफॉर्मेंस दिक्कत में, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वीकिश परफॉर्मेंस है, लाल है ये काउंटर। क्विकली 10-10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर लौट के आएंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद सबका स्वागत है, 10 की सीधा साधा की टीम क्विकली स्क्रीन्स पर आएगी। नवनीत, बोर्ड मीट से पहले फीनिक्स रिजल्ट्स और बोनस डोल आउट, यूग्रो कैपिटल अच्छे नंबर्स, फंड रेजिंग, रेटिंग एजेंसी का थम्स अप, इन्फोसिस और टाटा स्टील बड़ी बड़ी गाज गिरने की तैयारी, तो सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट जरूर करेगा। कोल इंडिया के अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एस्टर डीएम के अच्छा इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, सैस्किन सिक्वेंशली मार्जिन एक्सपैंड हुए, जेके लक्ष्मी के मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छा, टीम लीज का परफॉर्मेंस खराब, यह है टीम। नतीजों पे फोकस और बहुत सारी कंपनियों के शानदार नतीजे, IIFL सिक्योरिटी, सिलान, GT&D, प्रिकॉल, बंसल, सब बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं। अपटाउन में प्रेफरेंशियल किया है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर घुस गए हैं इसमें। M&M में और मारुति में दो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, ये काफ़ी ऊंचे टारगेट्स हैं। टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स लिए क्योंकि मुझे लगता है सोने में बाइंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। चलिए भाई मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और आज का इम्पॉर्टेंट डे क्योंकि US से भी अच्छी खबरें आ रही हैं और इंडिया में खबरें हैं ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, और मार्केट उस सबको 25,000 के ऊपर आज बंद करने में सफल होगा मुझे ऐसा लगता है। अगर एक बढ़िया सी माहौल बना दिया आप लोगों ने वीरेंद्र ने, तो आज 25 के ऊपर बंद, सारा सेंटिमेंट अगर सेट कर दिया तो, हाँ टोन सेट कर दिया, टोन सेट कर दिया करो भाई, टोन सेट करो वीरेंद्र। अच्छा चलिए दो लाइनें लिखी हैं वो अर्ज कर देता हूँ, मुख्य कविता जो है वो कल आएगी शुक्रवार को, ठीक है, ये उसी का पार्ट है या अलग से? अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि दरिया नए नए स्टार्टर वो कल वाली ज्यादा अच्छी है, ये तो बैठे बैठे स्टार्टर है, अब टॉस करते हैं तो फिर मैं कि दरिया बनी हुई है आज सारी दिल्ली, कि दरिया बनी हुई है आज सारी दिल्ली, रात भर इतना बरसा है पानी, नए हाई की तलाश में निकले हैं हम सब, कि नए हाई की तलाश में हम निकले हैं सारे, बस इन्फोसिस की बिगड़ी हुई है कहानी, नए हाई पर हम सफ़र हमारा एक, कि नए हाई पर हम सफ़र हमारा एक अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्या करूं कि ये निफ्टी बैंक अभी भी एक दायरे में जकड़ा हुआ है, बस कमी है तो आशीष निफ्टी बैंक की। सब कुछ अच्छा है आज, सब कुछ अच्छा है, बाकी निफ्टी बैंक बस परफॉर्म कर जाए और बढ़िया है भाई साहब। स्टार्टर्स ऐसे हैं तो कल के मेन कोर्स की कर लीजिए तैयारी, फिर कल का मेन कोर्स के बाद फिर डेजर्ट कैसे एडजस्ट करोगे, वीकेंड पे करोगे क्या? मंडे को तो कल मेन नहीं, कमाई के अड्डा में कल ही, हाँ कमाई के अड्डे में कल, ठीक है वीरू ऐसा करते हैं, स्टार्टर आज, मेन कोर्स और डेजर्ट हम निपटा देंगे, बहुत बढ़िया ये आपका मूड सेट कर रहा है, हम वाकई 25,000 की दहलीज पे फिर जा रहे हैं, क्लोज ही हम हुए हैं 50 पॉइंट दूर, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 70 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, तो शायद उसी टेक्निकली उस जोन्स पे खड़े होंगे जहां पे सप्लाई ओवरहैंग बनते हैं, बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से उसी मार्केट पे, तो वीरू से जानेंगे फिर पोजिशनिंग कैसी है, पहले लेकिन जानेंगे फेड का मूड कैसा है, कह क्या रहे हैं पॉवेल साहब, और उसके बाद टोन सेट करेंगे आज के सेशन की, पर शुरुआत आज के शो की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडिया की मार्केट न्यूज का हेडक्वार्टर, सटीक एनालिसिस, मार्केट का हर इंसाइट, बिगेस्ट मार्केट वॉइसेस, ग्लोबल इंडिकेटर्स, बेस्ट स्टॉक पिक्स, ये है मुनाफे की तैयारी, CNBC आवाज, मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो।